जब दावगा ख़त्म होने वाला है तो उसको चूड़ी के अंदर की बाग के किनारे के बाहर किनारे के अंदर होना चाहिए उसके हिसाब से आप उसको काट दीजिए फिर उधर फैब्रिक ग्लू लगा लगा के उंगली से उसको चपटा करके वहीं पे चिपका दीजिए इसको अभी आप सूखने दीजिए ध्यान दें कि धागा का कटा हुआ बाग किनारे के अंदर होना चाहिए ताकि वो चूड़ी के बाहर ना दिखे और हमेशा की तरह आप 25 धागा लेके और फिर उसको चपटा करके जैसे हम पहले शुरू पे किए थे उसी तरह करके फिर उसको ये अंदर के बाग पे फैब्रिक लू लगा के चिपका दीजिए ये सूखने के बाद आप धागा को दोबारा चूड़ी के ऊपर लगाना शुरू कर सकते हैं ध्यान में दे कि आप इसको ठीक जगह पर रखें और चूड़ी दिखना नहीं चाहिए फिर आप हमेशा की तरह उसको चूड़ी के ऊपर लगाना कर सकते हैं अभी ये तैयार हो गया चूड़ी सूखने के बाद फैब्रिक ग्लू अंदर की तरफ लगा दीजिए और अपने उंगली के मदद से उसको सब जगह पर लगा देना ये हम लगाते हैं ताकि अंदर की रेशम के धागा जो है वो चूड़ी के साथ चिपक जाए ये ध्यान में रखें कि चूड़ी के दोनों किनारे पर फैब्रिक ग्लू नहीं लगना चाहिए ये सूखने के बाद उसको आप सुंदर करने के लिए ऐसे चिपका सकते हो या बॉल चेन को चार रेशम के धागा के साथ लगा सकते हो सुनहरे धागा को भी इस तरह आप चूड़ी पे चिपका सकते हो